तो गाइस फाइनली न्यू फोन मिल चुका है हमको, सर्विस सेंटर वाले न्यू फोन दे दिया पोको एक्स फोर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। तो कैसे आप सब, मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक ही होंगे। तो गाइस अब वो दिन आ गया है जो हमको MI वाले या पोको वाले जो भी बोले हमको मोबाइल देने वाले हैं सर्विस में न्यू मोबाइल रिप्लेसमेंट में, तो हमको मोबाइल देंगे आज। तो हम लोग जा रहे हैं मोबाइल लेने के लिए पोको एक्स फोर प्रो, तो वही मोबाइल देने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी MI सेंटर, वहीं पर जाके जाएंगे और वहां हम लोग को मोबाइल देंगे न्यू मोबाइल। तो जाते हैं और देखते हैं कैसा मोबाइल देता है और कौन सा कलर मोबाइल देता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है हम लोग को। अगर नहीं देगा तो हम लोग वहीं पर छोड़ के आ जाएंगे, सॉरी छोड़ के तो नहीं आएंगे, लेके ही आना पड़ेगा क्योंकि वो मोबाइल ठीक नहीं हुआ है। तो आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर गए थे किस कारण से मोबाइल ठीक नहीं हुआ, वो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और फटाफट देखिए। तो गाइस हम तो अकेले नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ रोहित भी जा रहा है, इधर देखिए मटका क्या बोला तूने, ये जा रहा है इसका। हम तो अपना फ़ोन से वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसका फ़ोन हम रेंट पे लिए हैं तो 100 रुपया घंटा। वाओ बाय द वे कि जैसे 1 घंटा हो जाएगा तो 100 रुपया देना होगा और साथ में इसको बिरयानी भी खिलाना होगा। तो देखिए दोस्तों कैसा जुल्म कर रहा है, एक फोन देने में 100 रुपया लेता है। काम नहीं होता, फोकट बोलता है कि हम 29,000 का फोन फ्री में नहीं देंगे, इसलिए 100 रुपया घंटा लेता है। समझ रहे हो आप तो हमको देना पड़ेगा, फोन नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो गाइस अभी हम लोग हैं ठाकुरगंज के रेलवे स्टेशन में, तो हम लोग को सबसे पहले ठाकुर रेलवे स्टेशन आना पड़ता है, उसके बाद ही सिलीगुड़ी जा पाते हैं। तो यहाँ ट्रेन पकड़ते हैं, उसका सिलीगुड़ी जाते हैं। तो ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में, टाइम तो हो रहा है अभी कितना 8:40 हो रहा है, तो 20 मिनट में ट्रेन आने वाली है, उसके बाद चलेंगे। तो कुछ वेट किए थोड़ा देर और वीडियो पे बने रहिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ का कुछ सीन कराते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। तो गाइस फिर से आज बागडोगरा में आके ट्रेन रुकी है, तो रोज यहाँ पे रुकती है कम से कम आधा घंटा। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस फाइनली हम लोग इंटरनेशनल मार्केट पहुंच चुके हैं, ट्रेन से उतर के सीधे यहाँ आए हैं। तो ये रहा हमारा पीछे इंटरनेशनल मार्केट जो हम लोग मोबाइल नहीं पर दिए थे रिप्लेसमेंट में, तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे और मोबाइल देंगे हम लोग को। चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है फ़ोन, हमको भी तो पता नहीं है कैसा है फ़ोन, बस हम फ्लिपकार्ट में ही देखे थे, अमेजोन में ही देखे थे, और जाके देखते हैं कैसा है फ़ोन और क्या है, देखते हैं। तो गाइस आप लोग ने देखा ही था नेक्स्ट ब्लॉग में, पहले वाला ब्लॉग में तो देखा ही था इंटरनेशनल मार्केट ऊपर में लिखा हुआ है, और ये सामने MI सर्विस सेंटर। तो गाइस फाइनली न्यू फोन मिल चुका है, हमको सर्विस सेंटर वाले न्यू फोन दे दिया पोको एक्स फोर, तो ये फोन है, तो इसको आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो इसके साथ हम लोग को ना ही कोई बॉक्स दिया है और ना ही इसका चार्जर, ना ही हेडफोन, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस सिर्फ फोन दिया है। तो क्या नाचोगे? आप लोग अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं ऐसे ही, इसका कवर उतारते हैं पहले। तो जल्दी से ओपन करते हैं इसको, इसका कलर देखिए, ये है मेड इन इंडिया, लेकिन इंडिया में नहीं बना, ये चाइना में ही बना है। इसको ऑन करते हैं, ये इसका कवर। तो गाइस देखिए ये पूरा स्मूथली, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, देख सकते हैं बहुत ही मजेदार फोन है,
आप लोग ले सकते हैं। तो सोचे थे कि कंपनी वाले शायद हमको पोको ख़राब कंपनी देंगे, फ़ोन देंगे, लेकिन अच्छा फ़ोन है, इसको यूज़ करके देखते हैं। अगला फ़ोन तो हम 9 महीना चलाए थे, इसको फ़ोन कितना महीना चला के देखते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए इसका भी। तो इसका बैकअप लेके रखना होगा, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी लगा के रखेंगे, तो इसकी जानकारी हम आपको घर में जाके देंगे। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, सब है जो है वो सम। गाइस हम लोग तो आए थे मोबाइल लेने के लिए, लेकिन हमारे जीजू जो है वो हम लोग को घुमाने लेके आए हैं कोलातन थापड़ी। इतना तो नाम ये अच्छा नहीं लग रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे हैं, ये उनका नाम क्या है, नाम पता नहीं, भानु भक्त। तो देखिए कि कौन सा, हमको तो पता नहीं, बंगाल के हैं तो इतना पता नहीं, इनके बारे में जानकारी नहीं है हमको। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे है लकड़ी का ब्रिज, उधर है लकड़ी का ब्रिज और इधर है सीमेंट और रेड का ब्रिज। बादल कुछ इस तरह। तो गाइस अभी हम लोग एक जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल में मंगल करने। रोहित के साथ हम जंगल में मंगल करेंगे अभी। क्या बोला तूने? मतलब देख सकते पूरा जंगल ही जंगल है गाइस। तो गाइस आप लोगों को वीडियोग्राफी कैसा लग रहा है, आप लोग कुछ बता सकते हैं? नहीं। ये मेरे न्यू फोन पोको एक्स फोर का है, प्रो का है। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियोग्राफी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है पोको एक्स थ्री प्रो से। अगर बेस्ट है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि कैसा है, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे नया फोन फिर दूसरा। तो हम लोग अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं, हम रोहित के साथ जंगल में मंगल करेंगे अभी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप लोग हम पहले ही बता दिए, तो बहुत ही बड़ा जंगल है, तो उस साइड भी जंगल है, तो उस साइड में थोड़ा बंद है, तो इस साइड खुला हुआ है, तो आगे चलते हैं, आगे में क्या क्या है। गाइस जंगल के बीचों बीच में एक नदी है, देखिए नदी में जाके नहाएंगे अभी। रोहित घर से नहा के नया अभी जा रहा है नहाने के लिए। देखिए नदी है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस आप लोगों को मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ, एक इंसान जो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बच्चा है, ये इधर है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? युवान गुप्ता। युवान गुप्ता पूरा नाम वही है, और प्यार से तुमको क्या बोलता है? मामा। मामा ने मामा का हमको बोला क्या तुम्हारा, तुमको प्यार से क्या बोलता है सबको, मम्मी पापा ने? आंजा ने। यूवी यूवी किसका नाम है? गुप्ता का नाम है। अच्छा हमको सिखा रही है, अच्छा। और जब सो, कौन सा बिल्ली नाम है बिल्ली का, कौन सा बिल्ली, काला बिल्ली? तो युवान वहीं पे था, काला बिल्ली वाला, काला बिल्ली वाला। तो कुछ कहना चाहोगे सबको? हाँ, कुछ कहना चाहोगे? हाय करो पहले, बोला हाय फ्रेंड, कैसे हैं, कैसे हैं, अच्छा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे मामू के चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस अभी हम लोग घर जा रहे ही रहे थे, तो रास्ते में हम लोग मामदाना के पास रुके, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी शो हो रहा है, ऊपर पे जंपिंग जब आओ, देखिए ओ देखिए वो कूद गया पीछे में, और एक छोटा चेतन है जो अभी तक नहीं कूदा है, वो शायद डर रहा है, और पीछे देखिए बहुत सारा चेतन है जो कूद चुके अभी तक। हे गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर,
हम लोग तकरीबन रात के 9 बजे घर आके पहुँचे थे, तो सोचे कि वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट नहीं था, आप लोग को पता ही कि गांव का हाल क्या है। गांव में थोड़ा बारिश हो रहा था, इधर बारिश हो रहा था, थोड़ा सा बारिश और आंधी तूफान होने से कुछ भी लाइन नहीं रहता है। कभी कभी तो दिन भर या रात भर लाइन ही नहीं रहता है। तो हम आके वीडियो नहीं बना पाए। अभी सुबह के बज रहे हैं 7, तो हम उठ के अभी सीधे आपको वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग को बताने वाले थे कि हमको ये पोको X4 Pro कैसे मिला फ़ोन। तो हमको ये मिला है, जो मेरा फ़ोन था पोको X3 Pro, तो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली डेड हो चुका था। जो हम पैसे बैठ के चला रहे थे, अचानक से अपने आप ऑफ हो गया, अपने आप दरार आ गया फ़ोन पे, और उसके बाद अपने आप बंद ही हो गया, चल ही नहीं रहा था। हम चार्ज में लगा के हम कंपनी में फ़ोन किए, तो वो बताया कि आप कम से कम 6 घंटा चार्ज पे लगा के रखिए। तो 6 घंटा चार्ज पे लगा के रखे, फिर भी ऑन नहीं हुआ। इसके बाद बोले कि आप एक बार सर्विस सेंटर दिखाइए। तो हम सर्विस सेंटर गए, वहाँ जाके बताया कि आपका फ़ोन जो है वो शॉर्ट हो चुका है, मदरबोर्ड उसका उड़ चुका है, जो चार्जर पिन है उस पर वो क्या बोले कि पानी चला गया है, तो इसलिए आपका वारंटी ख़त्म हो गया। ये फ़ोन वारंटी में था, 9 महीना हुआ था, बोले कि वारंटी में चला गया। थोड़ा बोला कि थोड़ा अगर पानी का इशू होता है तो आपका फ़ोन वारंटी से बाहर हो जाता है। तो मैम बोले कि आपको अगर अभी अगर आप 900 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपको वारंटी में चले जाएगा, और ये आपको उसका बदले में आपको नया फ़ोन मिल सकता है। आपको लेना है तो लीजिए, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। तो हमको जो मदरबोर्ड लगाने के लिए बात, हम बोले कि मदरबोर्ड लगाने कितना लगा, ऐसे भी हमको नहीं लेना फ़ोन। तो बोले कि आपको 13,000 कुछ 200 ऐसे कुछ बताए थे हमको। तो हम सोचे कि यार ये फ़ोन इतना खर्चा ठीक करवा के क्या फ़ायदा, उससे अच्छा हम नया फ़ोन क्यों ना ले। तो वो लोग बोले कि आप एक काम कीजिए, आप नया फ़ोन ले लीजिए। तो हम इसलिए हम नया फ़ोन लिए, तो यही कारण है हमको नया फ़ोन दिए हैं वारंटी। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, अगर उससे भी चाहे तो सभी दोस्तों में क्या करना है, शेयर कर देना है। और अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।